नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को इस वीडियो में मैं जैकपॉट कॉल कैसे आता है और जैकपॉट कॉल को आइडेंटिफाई करने का तरीका का बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आपको पता है जैकपॉट स्कैनिंग में स्कैन कैसे करना पड़ता है, बट स्कैनिंग करने का बाद भी आपको एक दो चीज देखना पड़ता है, वो अगर आप सही से फॉलो नहीं करेंगे तो जैकपॉट स्कैनिंग में कॉल आने का बाद भी वो कॉल आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एज ए एग्जाम्पल मैं जुबलियन फूड का फ्यूचर का चार्ट लगाया हूँ। देखिए ये जो अलर्ट का मैसेज आपको दिख रहा है ये आपका अलर्ट सिस्टम है, कहीं पर भी कॉल बनता है हम लोग का सॉफ्टवेयर में इस तरीके से मैसेज बॉक्स आ जाएगा। आधुनिक जैकपॉट का जो अलग सा स्कैनर है वहां पर भी आपको जैकपॉट कॉल मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है जो जुबलियन फूड को मैं जो निकाला हूं इसमें किस बेसिस में जैकपॉट हो रहा है। देखिए ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, कैंडल का कलर ब्लू है। ब्लू मतलब क्या है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल पे आपको सिग्नल मिलने वाला है। अभी ये ब्लू कैंडल का थोड़ा सा पहले देखिए, आपको यहाँ पर दो पतला पतला एक्चुअली रेड सॉरी ब्लू ग्रीन लाइन है, जो लाइन ब्रेक करके ऊपर चला गया उसका कलर रेड हो गया। तो एक्चुअली ये दोनों लाइन को एक साथ ऊपर जाना है फर्स्ट कैंडल पे, और उसी सेम टाइम आपको यहां पर मिडिल वाला जो इंडिकेटर है वहां पर आपको एक वाइट लाइन दिखाई दे रहा है जो ब्रेक करके ऊपर चला गया। अभी जो वाइट लाइन ब्रेक करके ऊपर जाता है ये जितना शार्प होगा, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा है। बहुत टाइम क्या होता है जैकपॉट में, ये वाइट लाइन ब्रेक तो होता है बट बहुत ही लंबा टाइप का ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज को याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों लाइन ब्रेक करके ऊपर जाता है और ये वाइड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाता है, दोनों सेम कैंडल पे मतलब फर्स्ट कैंडल पे होना चाहिए, मैच होना चाहिए। सेकेंडली मुझे देखना है ये जो वाइड लाइन है ये कितना शार्प ब्रेकआउट हुआ है, जितना शार्प ब्रेकआउट होगा उतना ही स्ट्रांग आपका कॉल हो सकता है। एंड फाइनली आपको ट्रेड करना है जिस कैंडल पे मतलब फर्स्ट कैंडल पे ये दोनों ब्रेकआउट हुआ है, फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ेगा नेक्स्ट कैंडल तब ट्रेड करना है। बहुत टाइम क्या होता है फर्स्ट कैंडल बहुत लंबा हो जाता है और उसका लो या हाई ब्रेक नहीं हो पाता है तो जैकपॉट लागू नहीं होता है। तो सिर्फ स्कैनिंग पे आ जाने से ही ट्रेड कर लेना है ऐसा नहीं, खोल के आपको इसको प्रॉपरली चेक करना है जो फर्स्ट कैंडल पे ये दोनों लाइन ब्रेक करके ऊपर गया है कि नहीं रेड होके, उसी सेम कैंडल पे व्हाइट लाइन ब्रेक करके ऊपर गया है कि नहीं, और व्हाइट लाइन का ब्रेक कितना शार्प है। तो ये मेन कंसेप्ट है जैकपॉट को फाइंड आउट करने का। अभी मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर मेरा कंडीशन फुलफिल है तो मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। नीचे वाला जो इंडिकेटर है हम लोग का ब्रिक्स का, इसको हम लोग सिर्फ एग्जिट करने के लिए देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो एग्जिट करने का जो कंसेप्ट है उसके लिए नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है ये हम लोग का काफी इफेक्टिव है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जुबलियन फूड कब तक प्रॉफिट देके जाता है और आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए जैकपॉट का हिसाब से ये काफी अच्छा मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। 679 पे आपको सेल का कॉल मिला था, 668 हो गया, 669 मतलब 10 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। अभी आप फ्यूचर में काम कीजिए, इक्विटी में काम कीजिए या ऑप्शन में काम कीजिए, कहीं पर भी काम कर सकते हैं। देखिए मेन चीज होता है प्रेडिक्शन, अगर आपको प्रेडिक्शन पता है तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए धीरे धीरे मार्केट और नीचे गिर रहा है तो आपको एंट्री लेने के बाद जो ध्यान में रखना है वो है नीचे वाला ब्रिक्स इंडिकेटर का तरफ। जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट का ऊपर नहीं जाता है, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, देखिए यहां से मार्केट गिर रहा है, मार्केट इतना नीचे आ गया और अभी भी नीचे वाला इंडिकेटर, नीचे वाला इंडिकेटर पे ध्यान दीजिए, अभी भी वो इंडिकेटर व्हाइट का नीचे ही बुक कर रहा है। जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप अपना पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो इंडिकेटर है ये हम लोग का एग्जिट करने के लिए हेल्प करता है। तो एंट्री लेने के बाद बहुत बंदा एग्जिट पे फंसता है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, एंट्री हम लोग ले लेते हैं, हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देख गया, और कभी कभार ये चीज उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी निकल जाता है। अभी आप ब्रिक्स वाला इंडिकेटर का ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी ये ग्रीन हो रहा है और ये व्हाइट का ऊपर धीरे धीरे जाने का कोशिश कर रहा है, तो मैं यहां पर पहले रोक देता हूँ। अभी आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, मैं अगर नीचे वाला इंडिकेटर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए यहां पर आपका एंट्री जब हुआ था ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट का नीचे आ रहा था, और अभी देखिए ये ब्रिक्स का कलर भी चेंज हो गया और ये व्हाइट को तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहां पर एंट्री लिया हूं तो ये मेरा एग्जिट पॉइंट है।
तो एग्जिट को प्रोमिनेंट करना सीखिए। अगर आप एग्जिट करना सीख गए तो कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता था, तो जैकपॉट कैसे निकालता है, सिर्फ स्कैनिंग कर लेने से नहीं होगा, स्कैन करने के बाद आपको ये थ्रू आउट चेक करना पड़ेगा। जिस कैंडल पे फर्स्ट कैंडल पे दोनों लाइन ब्रेक करके ऊपर गया, देखिए जो दो रेड लाइन चल रहा है उसी सेम कैंडल पे व्हाइट लाइन ब्रेक करके ऊपर गया है, और ये ब्रेक जितना शार्प होगा उतना बेटर है। फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ने का बाद ही ऑर्डर लगाइएगा, और कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक ये ब्रेक्स व्हाइट को तोड़ के ऊपर नहीं जाता। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएच ब्लू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेड है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर नॉट ओनली फॉर फ्यूचर मार्केट, आप इसमें कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी किसी में भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।